गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का दूसरा क्लास करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तो हमने लास्ट क्लास में कॉजेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में ब्रीफ वे में देखा था। आज हम लोग थोड़ा और बेटर तरीके से समझेंगे। तो कोई भी इंडिविजुअल में स्ट्रेस आने का रीजंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकता है जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस आए। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या रीजंस है जो कोई भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस देता है, यानी कि बेसिकली रीजंस ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। तो इंडिविजुअल स्ट्रेस जो है ये फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स, उसमें है लाइफ एंड करियर चेंजेस। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन में स्ट्रेस आता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लाइफ एंड करियर। ये चेंजेस हो सकता है स्लो या फिर सडन। स्लो यानी कि गेटिंग ओल्डर, स्लो चेंजेस आ रहा है लाइफ में। सडन यानी कि सडनली अगर कुछ चेंज आ गया, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गया, डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर, तो ये आपका सडन चेंज हो गया, तो ये स्ट्रेस कॉज करेगा। और इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट रहेगा यही स्लो एंड सडन के बेसिस पे। जो अगर गेटिंग ओल्डर ये स्लो चेंजेस है तो इसका स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा, इंटेंसिटी जो है वो कम रहेगा। और वही अगर सडन चेंज आया कोई कुछ भी लाइफ में तो उसका स्ट्रेस का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो लाइफ स्ट्रेस हो सकता है आपका जैसे डेथ ऑफ स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, डिवोर्स हो गया, अगर अगर डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर हो गया, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये सारा हो गया आपका लाइफ चेंजेस। ये चेंजेस के वजह से स्ट्रेस आएगा। फिर आता है करियर चेंजेस। करियर चेंजेस जैसे रिटायरमेंट हो गया, डिमोशन हो गया, प्रमोशन का ऑपोजिट इज डिमोशन, ट्रांसफर हो गया, वर्क नेचर चेंज हो गया, जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दिया गया हो, प्रमोशन भी अगर उनको मिल जाए तो प्रमोशन होने में भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है। बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वर्किंग कंडीशंस, जिस वर्किंग कंडीशंस में वो वर्कर काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, मे बी वहाँ बहुत नॉइज होता है, वहाँ के लोग उतने अच्छे नहीं है, तो ये सारा चेंजेस जो है ये इफेक्ट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल को। फिर है पर्सनालिटी टाइप। तो हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा है, स्पेशली इसका एक चैप्टर है। तो पर्सनालिटी भी जो है वो स्ट्रेस कॉज करता है। और पर्सनालिटी टाइप, अगर किसी का पर्सनालिटी टाइप, सपोज हमने टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग वो होते हैं जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उन लोगों को कुछ भी काम बहुत जल्दी करना होता है, उन लोग चलते जल्दी है, खाते जल्दी है, काम जल्दी करते हैं, उन लोग ये प्रिफर करते हैं कि एक बार में दो काम करना है, उन लोग क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं और ना ही क्वालिटी पे, और उन लोग टाइम को बहुत ज्यादा एज अ प्रेशर फील करते हैं, बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, टेंशन लेते हैं। तो ऐसे टाइप के लोग का स्ट्रेस लेवल कैसा रहेगा? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। तो ये होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी के लोग। और दूसरे आते हैं टाइप बी पर्सनालिटी के लोग। उन लोग हड़बड़ी में नहीं रहते, उन लोग को सारा चीज आराम से करना है, उन लोग में पेशेंस रहता है, उन लोग रिलैक्स होके सारा काम करते हैं, उन लोग माइल्ड मैनर के होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उन लोग को कोई भी डेडलाइंस दे दिया जाए तो उन लोग पैनिक करें, उन लोग रिलैक्स वे में करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है इस टाइप के लोग में स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा। तो वही है पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेस इफेक्ट करता है। फिर है रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोगों का रोल होता है सोसाइटी में, मतलब उन लोग का अपना फैमिली का कुछ रोल रहता है, उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रोल रहता है, वर्क रिलेटेड रोल्स रहता है, और उन लोग को ये सारा रोल्स अच्छे से प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है। अपना जो भी ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज है ये हर एक सिचुएशन में, उसमें उन लोग को ये ध्यान में रखना है कि उन लोग हर जगह अपना रोल जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करें। क्योंकि हर एक जैसे फैमिली में भी अगर आप है तो आपका फैमिली डिमांड करेगा कि आप अच्छे से बिहेव करें, आप उन लोग को भी टाइम दें। और ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका मैनेजर्स आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो परफेक्टली करें, उसमें परफेक्शन रहे। तो जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो भी डिमांड करता है कि इंडिविजुअल अपना रोल को परफेक्टली परफॉर्म करे। और अगर वो इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर पा रहा है ये रोल्स, तो इसमें ये रोल्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये स्ट्रेस कॉज करता है। और रोल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो
जॉब रोल्स रहते हैं, यानी कि डिफरेंट जॉब रोल्स या फिर डिफरेंट जॉब्स, उसमें जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो डिफरेंट तरीके से एसोसिएटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर का स्ट्रेस अलग होगा, पायलट का स्ट्रेस अलग होगा, शेयर ब्रोकर का डिफरेंट होगा, वही स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रोफेसर, बैंक ऑफिसर, टेक्निकल राइटर, इकोनॉमिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो डिफरेंट जॉब्स का डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है ग्रुप स्ट्रेसर्स। पहला है ग्रुप कोहेसिवनेस। तो ग्रुप इंटरैक्शन इफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ग्रुप इंटरैक्शन भी बहुत जरूरी है, और ग्रुप कोहेसिवनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप कोहेसिवनेस यानी कि अगर ग्रुप में यूनिटी है, टीम वर्क है, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि लोगों में स्ट्रेस होगा, क्योंकि उस ग्रुप में कोहेसिवनेस है, लोग इंटरैक्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है उन लोग बात करते हैं एक दूसरे से, बताते हैं, शेयर करते हैं। ग्रुप जो है वो एज अ यूनिटी उन लोग काम करते हैं, यूनाइटेड है, तो ऐसे में स्ट्रेस कम रहता है। और वही अगर ग्रुप कोहेसिवनेस नहीं रहेगा तो वो स्ट्रेस कॉज करेगा। फिर है सोशल सपोर्ट। तो ये सोशल सपोर्ट जो है वो एक सोशल नीड है, हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उन लोग को सोशली सपोर्ट मिले, जो आसपास के लोग हैं उन लोग भी समझे उनको, उनको सपोर्ट करे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी फेस हो रहा है, एंड प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो उन लोग चाहते हैं कि उन लोग जिस एनवायरमेंट में है, जो लोगों के बीच में है, जिस ग्रुप में है, वो लोग कंफर्टेबल हो कि अगर कुछ भी हो, बात हो, तो वो शेयर कर पाए। तो सोशल सपोर्ट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं रहेगा सोशल सपोर्ट तो ये बहुत स्ट्रेसिंग हो सकता है लोगों के लिए। फिर है कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है ग्रुप में, इंटरेक्शन नहीं है प्रॉपरली, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फाइट्स हो रहा है, कुछ भी बात में डिसएग्रीमेंट है, तो ये भी ऑब्वियस सा बात है, ये भी स्ट्रेस कॉज करेगा। आगे है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज होते हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को कि उन लोग को किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से फंक्शन करना है। और अगर ये पॉलिसीज क्लियर नहीं है, वो अनफेवरेबल है या फिर एम्बिगुअस है, यानी कि अनक्लियर है, लोगों को डाउट है कि क्या चीज को किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से काम करना है, तो ऑब्वियस है कि इस वजह से लोगों में स्ट्रेस आ सकता है, उन लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन अनरियलिस्टिक है, अगर फ्रीक्वेंट एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज है, प्रोसीजर्स जो बताया गया है वो एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसीड करना है, काम करना है, इनफ्लेक्सिबल रूल्स है, इनक्वालिटी ऑफ इंसेंटिव्स है, तो ये सारे रीजंस जो है इसके वजह से स्ट्रेस आ सकता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को अमंग द इंडिविजुअल्स। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, मतलब अगर एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर एडवांसमेंट, यानी कि उन लोग का कुछ करियर ग्रोथ नहीं है, उन लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए पर्सनली उन लोग को कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, अगर एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस है ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उन लोग एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि उन लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है कुछ भी काम के लिए, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसके वजह से भी स्ट्रेस कॉज होगा लोगों के बीच में। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फॉल्टी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में फॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट है, जैसे कि पुअर कम्युनिकेशन, पुअर एंड इनएडिक्वेट फीडबैक ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि लोग अगर जो काम कर रहे हो, अगर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन लोग को प्रॉपरली फीडबैक नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से परफॉर्म करना है, उन लोग अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स है, अनफेयर कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन फ्लो है, इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है वो प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी स्ट्रेस कॉज करेगा लोगों में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में। फिर है फिजिकल कंडीशंस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल कंडीशंस इफेक्टिव नहीं है, तो इंडिविजुअल्स को स्ट्रेस कॉज होगा और उन लोग प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे। फिजिकल कंडीशंस जैसे कि
जो वर्किंग कंडीशंस है वो अगर अच्छा नहीं है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, कोल्ड है, बहुत एक्सेसिव नॉइस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे वो इम्प्लॉई है, अगर प्रिवेसी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है वो एरिया, वो कंडीशन, या फिर बहुत पोल्यूशन है, लाइट्स प्रॉपर नहीं है, तो ये सब भी स्ट्रेस कॉज करेगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस। तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन यानी कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ इवेंट्स स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स को। तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस कॉज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल एंड साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को भी, जैसे कि सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कम्युनिटी कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करता है विद इट्स एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट में ये सारे चेंजेस आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को वो स्ट्रेस कॉज करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। थैंक यू एवरीवन।